चलो भाई ले चले। हाँ हमजा ये पकड़ो, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा सामान है। कहा ये पकड़ो यार बोले, और ये भी ले आया हूँ मैं इनकी गड्डी, काफी टाइम हो गया यार। पहले नहीं ये डाल, जैकी जैनी जैक को दोस्तों हमने कब से नहीं डाला यार। ये वो देख कैसे नीचे नीचे घूम रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया था, जैकी जैक और जैनी को ना हम लोगों ने ये नहीं दिया और बच्चों को भी नहीं दिया था इनके। तो मैं अच्छी खासी घास लेकर आया हूँ आज, तो इसको रख देते हैं यार, डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके। यार यहाँ से तुम दोनों खा जाओगे ये, इसलिए इसको दोस्तों मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ दिखाता चलूँ दोस्तों, हमने मुर्गे खोले में अपने तमाम वो देखें। अब हमने यही कर लिया है, जितने हमारे पास मुर्गे हैं ना और उन सबको धूप डेली आ रही है हमारे इधर, शुक्र है अल्लाह का। देखें कोई ऐसा मौसम नहीं है, आसमान खाली लगा पड़ा, कोई बादल नहीं, तो इस वजह से ना हम डेली सारों को धूप लगवा देते हैं। और बाकी यार अभी हमारे इन दो की लड़ाई हो गई थी आपस में, तो उसकी वजह से ना ये बेचारे परेशान हो गए। छोटे उस्ताद को लड़ने का दिल कर रहा बहुत ज़्यादा। ये लो काटो, ये लो है, ये लो छोटे उस्ताद। यार इनके लिए भी इनकी, अरे 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 बस भाई दूर रहो दूर रहो। इसकी भी वाइफ लानी है भाई जल्दी, अगर किसी के पास है तो कमेंट में लाजमी बताओ। छोटे उस्ताद कहाँ जा रहे हो, चलो आ जाओ। तो यार हमदा सामान लेकर आ जाए भाई, इनको एक एक करके डालते हैं। और एक और चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी है, हमारे पास एक और सरप्राइज़ आया है, दिख तो गया होगा, वैसे नहीं दिखा हो तो वो अभी दिखाते हैं आपको। हमदा आ जाए फिर दिखाता हूँ। तो भाई हमदा सामान ले आया है। हमदा यार खाना बनाने से पहले एक काम कर दो, कैमरा पकड़ो, अपने व्यूवर्स को वो दिखा दें अपन जो गिफ्ट आया है। वैसे वो गिफ्ट है या पहले भी दिखा चुके हैं पहले? हाँ सही है दोस्तों, अब हमें वो गिफ्ट मिला है, लेकिन पहले हम शायद आपको दिखा चुके हैं। बट जो अभी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने शायद नहीं देखा हो, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनको दिखा देता हूँ भाई, और बाकी भी भूल गए होंगे अब तो कब आया था हमारे पास, तो अभी दिखाता हूँ। ये लार कैमरा पकड़ो, ये रहा दोस्तों हमारा वो गिफ्ट है। जो पहचाने हैं उनको सल्यूट है भाई, कि अभी तक जानते हैं कौन सा मुर्गा है क्या है। बाकी इसकी नस्ल जो हमदा बताएगा, हमदा कौन सी नस्ल है भाई? सन्यासी लाखा। यार मुझे पता तो दोस्तों शौक तो है, लेकिन आपको पता है मुझे मुर्गी चूजे इनका ज़्यादा शौक था, असील में है शौक लेकिन कर लेता हूँ बस। लेकिन बाकी सन्यासी ये इतना ज़्यादा अंदर का डीप का नहीं पता, ये भी इसने भी खुल खुल के देख देख के पता करा। तो माशाल्लाह यार बड़ा प्यारा है, कैसा लगा आप लोगों को? आज कितना बड़ा है ना ये, इसका ताज ही ऐसा होता है, आज ही ऐसा होता है। किसी से लड़ा अभी तक ये? किससे चेक किया था? इन सबसे। किससे करा था? इन सबसे चेक किया, इससे भी उससे भी चेक किया, पीछे आने से वाला सेट हो गया ना दोस्तों। हमारा जो वो बीमार वाला मुर्गा था ना, माशाल्लाह यार सेटिंग पर आ रहा है, और उसको जो हमने दवाई खिलाई ना गोली, अगर आप लोगों को उस पर डिटेल पे वीडियो चाहिए तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर चाहिए कमेंट में करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या दिया था और कैसे सेट हुआ। उसकी गले में खराश हो रही थी ना, गले की खराश बीट काफ़ी सहतियाब हो गई है। तो यार दोस्तों एक बार तो दिखा दूँ आपको हमारा मुर्गा, माशाल्लाह चेक करें कितना खूबसूरत है। और है थोड़ा सा भाई ये बाल वाल थोड़ी इसकी सेटिंग आउट हुई है, क्योंकि जिनके पास था नहीं है उन्होंने ना बस नॉर्मल रखा हुआ था, क्योंकि यार वो ज़्यादा पालते नहीं है तो उन्हें बेचारों को इतना पता भी नहीं था, उनकी भी गलती नहीं है। तो माशाल्लाह गिफ्ट के तौर पे हमारे पास एक और मुर्गा आ गया, लेकिन यार हमारे पास जगह कम पड़ रही है तो हम इसको करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं भाई? सेल आउट, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम पड़ रही है। खैर दोस्तों कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताएगा। चलो यार अब जल्दी से खाना डालते हैं सबको। तो यार दोस्तों जैकी जो है ना वो गड्डी मांगे जा रही है मेरे से, आओ ये देखें। तो ये शायद ये मांग रही है गड्डी, कहाँ गई ये देखें, कहाँ गई ये रही। तो चलो देता हूँ। तो ये मांग रही है दोस्तों बच्चों को खोल के सबको। मैं पहले ना खरगोशों को डाल देता हूँ खाना, ताकि यार बेचारे भूखे हो रहे हैं, तो पहले इनको डालते हैं, चलते हैं साथ डालते हैं। चले आ गए, दो मिनट तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा, अब इसके बच्चों को खोल दें। बड़े तरीके से हमने देखे ही अटकाया है दोस्तों, इन्होंने पूरा ख़राब कर दिया है, खा खा के कोने से भी खा गए, यहाँ से भी खा गए, वहाँ से भी खा गए, पूरा सेटअप ख़राब कर दिया। तो ले भाई दोस्तों बच्चों को खोल दिया हमने, प्यारे प्यारे अपने छोटे छोटे, आ जाओ भाई ये खोल देता हूँ मैं, ये खुल गई इनकी। तो तुम लोग अभी तो यहीं खाओ। चलो यार एक दोस्तों हमने ऊपर रखी हुई, इसको हम अंदर डाल देंगे, ताकि जिसको अंदर खाना है वो अंदर जाके खा लें। ये लो यार तुम्हारी रोटी, जल्दी से खाना बना लो। तो ले यार दोस्तों पानी भी ले आया मैं हमदा गरम, पहले ही बता चुका हूँ, बार बार रिपीट कर देता हूँ, सर्दियों में गरम पानी दे जा करें, नीम गरम, ताकि किसी मुर्गा मुर्गी या कुछ भी हो उनका गले में खराश पैदा ना हो, बहुत मुश्किल में आ जाते हैं हमारे, काफ़ी मुर्गे आए थे। क्या हुआ, क्या हुआ, शाम कर लो, अच्छा इधर देखो
शाम चले भाई आप सबको बस शाम करा शाहान की तरफ से एक तो उसका नाम यार। दोस्तों हमने जो इनके देखे मिट्टी बिछाई थी ना कितना फायदा हुआ है, गंदगी कितनी कम है, ये देखें। अब जो ये बीट वगैरह भी कर रहे हैं ना तो वो बीट ना इनकी इसी मिट्टी में मिल जाएगी और वो इससे ना इनके पैर हो गए और गंदे नहीं होंगे, ये इनके पर हो गए पैर हो गए पूरे कहीं से भी गंदे नहीं होंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना फ़ायदा हुआ है मैं सब करने का। बाकी यार मैं इस चीज़ पर ना बड़े भाई अथर भाई और हमदा से नाराज़ हो गया था एक दिन के लिए और मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैं इनको बोला मेला देखो अगर ये सब करना था तो मुझे पहले बता देते, इतनी सफाई पहले से करनी तो थी, पर मैं लेट उठा उस दिन 1 बजे और उन्होंने सब कुछ स्टार्ट भी कर दिया। बनाता है बंदा अपनी चीज़, तो मुझे यार एक प्यारा सा शॉट बनाना था इनका बहुत प्यारा सा, तो उस चक्कर में मैं इनसे नाराज़ हुआ। इन लोगों ने बोला पता नहीं क्या है मुँह बना के बैठ गया क्या हो गया सही हुआ, फिर मैंने बताया मिला ऐसे ऐसे चक्कर था, तो मुझे ये चीज़ यार सीधी बात है मुझे बनानी पड़ती है तो आप लोग देखा करो। तो इन्होंने बोला चलो अब बनाओगे ना तो पहले बता देंगे। कहाँ जा रहे हो, इधर आओ यार। एक तो दोस्तों इसको पल ले आया मैं काशान को मुर्गों के पास, उंगलियां दिखा रहा है जा जाएंगे हाथ पे काट लेंगे, इधर ये हाथ पे काट लेंगे पीछे रहो। तो यार दोस्तों हमारा बीमार वाला मुर्गा माशाल्लाह से काफ़ी सेट हो गया है, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी सेट। थोड़े से ना मूड होता है ना ये वो सुस्त है थोड़ा सा, जो मूड नहीं होता एक, लेकिन दोस्तों मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी लगी है अचानक हमला करता है ये एकदम ही। हमदा को यार खाना नहीं डालने दे रहा था, अब हमदा ने डाला इतनी मुश्किलों से। तो माशाल्लाह यार नया मुर्गा कैसा लगा दोस्तों लाजमी आप लोगों ने कमेंट में बताना है माशाल्लाह से। ये देखें खाने आने में माशाल्लाह, जो यार चीज़ खाने में चुस्त हो ना और पेट भर के खाए और खाने में मतलब उसका रोक टोक ना हो तो आप समझ लें कि यार वो चीज़ ना बहुत प्यारी चीज़ है। खाने में बस परेशान ना करें ना परिंदा या जानवर कोई भी, तो यार एक मालिक का भी दिल हो रहता है कि हाँ यार एक अच्छी चीज़ है जो लेकर आता है। तो ये ले यार दोस्तों इसकी मैंने टांग निकाल दी यार, उसमें से बड़ी मुश्किलों से कटवाई है, पता नहीं कहाँ फंसा के बैठा होता। ये देखें तो माशाल्लाह हमारे सेफराइट की जो मुर्गा है ना उसकी आँख माशाल्लाह काफ़ी सेट हो गई है, ये देखें अब खुल रही है आँख और जो पानी आ रहा था ना वो भी सेट हो गया इसके, और ये वाली आँख देखें माशाल्लाह बिल्कुल सेट है, ये वाली आँख में हुआ था ये अब काफ़ी सेट बिल्कुल हो गई है। तो यार शुक्र है मेरा ना दिल बहुत वो हो गया था कि इसको कुछ ना हो जाए। चलो भाई तुम जाओ अंदर अब अपना खाना खाओ। तो यार दोस्तों इनको मैं दाना डालने के लिए आया हूँ और यकीन जाने इनके खोलते ही मुझे ना याद आ गया चीकू, और यार बस एक ही दिन हुआ उसको गए हुए। बाकी ये देखें पूरा साफ़ सफाई हमने जब कर दी तब है हमला क्या हुआ है, साफ़ सफाई कर दी एक दिन में चटपट हो गया यार मेरे हिसाब से। इधर मुझे ये लग रहा था कल तक दोस्तों के शायद हमारी गलती हो गई है, गंदगी हो रही थी काफ़ी है, लेकिन जो बात है हमला उसके साथ ये बच्चे भी हैं वो भी सेट है माशाल्लाह, वो भी एक तरीके से एक बोलते हैं ना कि जो लिखी हुई है हैं मच्छर के काटने से नहीं है यार लिखी हुई भी है जो चीज़ है। अब वो चीज़ दोस्तों हम भी ज़बरदस्ती नहीं चाहते यार कि हमारी चीज़ मरे, हमें कोई शौक थोड़ी है यार, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको बचाएं और यकीन माने पूरा इलाज करा, उसके ऑयलिंग करी, उसके चूना सब लगाया। पर एक भाई ने दोस्तों कमेंट में बताया था कि लहसुन का पेस्ट लगाएं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनकी आई डी का, उन्हें मैं बता देता कोई मसला नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार उन भाई ने बताया था कि अगर ये दाने हो जाए करें तो लहसुन का पेस्ट लगा दिया करें, लहसुन का जो अर्क निकलता है उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो जिस जिस भाई के ऐसे दाने हो जाए करें कबूतर वगैरह के तो लाजमी लगा दिया करें, बड़ा फ़ायदा होता है। खैर यार याद रह गई हमारी चीकू की। बाकी यार दोस्तों कल जो सीन था चीकू गया और भी बहुत सी चीज़ें थी यार, मैं ना जो बॉन्डिंग आई ना मेरे पेज पे तो उस वजह से मैं कल बहुत परेशान था और इस वजह से मेरा कल वीडियो बनाने का यकीन जाने मैं कर नहीं सकता ही है, वो तो घर वालों ने फिर मोटिवेट करा, मैं बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें सोच रहा था पर दोस्तों ने घर वालों ने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करा, मम्मा बाबा सब ने समझाया बोला बेटा गलत कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता, वीडियो बनाते रहो अल्लाह ने जब किस्मत में लिखा होगा और अल्लाह ने हर किसी को दिया उसके बदले का बोला तुम्हें तुम्हारे बदले का लाजमी मिलेगा। तो बस यार वो जो एक मोटिवेशन मिलती है ना घर वालों से तो बस वही बहुत अच्छी होती है, भाई बहन मम्मा बाबा तो यही है फैमिली मोटिवेट मेरे लिए और मेरे साथ खड़े हैं सारे भाई वगैरह सब लोग। तो बस तो फिर मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर भी हुआ कि यार नहीं यार गलती कर गया मैं, तो बस वो एक चीज़ के होता है दोस्तों नाराज़ नहीं होना चाहिए इंसान को, तो मैं गलत हो गया था सारों से वो एहसास हुआ यार कल। बाकी मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा इंशाल्लाह, कामयाब करने वाला रब की ज़ात है मेरी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।